हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आयसर गाड़ी का जो PMP का अल्टरनेटर होता है उसकी जो रेक्टिफायर प्लेट चेक कैसे की जाती है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, ये हमारी जो आयसर गाड़ी होती है उसमें PMP का जो अल्टरनेटर आता है उसकी रेक्टिफायर प्लेट है। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसको मल्टीमीटर के द्वारा। तो ये हमारा मल्टीमीटर हो गया, हम इसके सर्कल को यहाँ पे ले आएंगे कंटिन्यूटी पे। ये देखिए, ये इसका सर्कल यहाँ कंटिन्यूटी पे आ गया, यहीं से रेक्टिफायर प्लेट चेक होती है। अब वो चेक कैसे होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, उसके लिए दो तारे लेते हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है, तो दो तारे हो गई। अब हम इसको चेक करके दिखाएंगे, जब हम इसको दोनों आपस में टच करेंगे तो ये देखिए हमारा मल्टीमीटर बीप की आवाज़ निकालेगा। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारी रेक्टिफायर प्लेट हो गई, ये हमारा मेन बोल्ट हो गया, ये हमारे जहाँ स्टेटर की तारें लगती हैं तीनों, ये वहीं के कनेक्शन हो गए। तो अब हम सेम वैसा ही तरीका जो पहले रेक्टिफायर प्लेट में चेक करके बताता हूँ। ये प्लस वाली तार है, ये यहाँ पर लगा दी हमने, और जो माइनस वाली तार है ये यहाँ स्टेटर पे लगा दी। तो ये देखिए, हमारे मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। यहाँ पे लगाया तो भी कोई रीडिंग जो है शो नहीं हो रही है, और यहाँ पे लगाया तो भी कोई रीडिंग शो नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो माइनस वाली तार है इसको प्लस पे लगा देंगे, और जो प्लस वाली तार है इससे हम चेक करेंगे। देखिए, रीडिंग शो कर रही है, इसका मतलब हमारी रेक्टिफायर प्लेट ठीक है। यहाँ भी चेक करते हैं तो यहाँ भी रीडिंग बता रही है, देखिए ठीक है। और तीसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ भी रीडिंग बताती है, इसका मतलब हमारी रेक्टिफायर प्लेट ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, या मतलब आपको कोई वो बात है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।